तो भैया अच्छाइयाँ तो मैंने बहुत सारी इस गाड़ी के बारे में बता दी थी, टॉप 5 रीजन टू बाय मैंने बता दी थी, टॉप 5 रीजन टू डोंट बाय मैं आज इस गाड़ी के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। आप सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें भी देखी होंगी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, बहुत सारी चीज़ें फैल रही हैं या बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही है, जिसके अंदर कुछ भाइयों की गाड़ी में मिसिंग इशू आ रहा है, कुछ भाइयों की गाड़ी में इंजन सीज हो गया। एक भाई अपने एक्सप्लोर एंड मोर, उनका 90 किलोमीटर चलने के बाद ही इंजन सीज हो गया और कंपनी ने इतना ज़्यादा फ्रॉड करा, वो सारी चीज़ें मतलब टैकल करना एक नॉर्मल बंदे के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने सोचा एक डिसएडवांटेज वाली वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरे बस की नहीं है भाई पर्टिकुलर एक एक बंदे को पर्टिकुलर एक एक रिप्लाई देना। 5 ऐसी इसकी कमियां हैं जो मैं आज आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में बताऊंगा, जो मैंने खुद फेस करी है। पहले मैं आप लोगों को इस गाड़ी का किलोमीटर दिखा देता हूँ, ओडोमीटर, कि मैंने कितनी इस गाड़ी को चला लिया है। तकरीबन 2300 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चला लिया। ये भी भाई क्या नाम है, ट्रैक मोड पर लगी है तो दिखाएगा नहीं, इसके लिए हमें रेन या स्ट्रीट मोड पर जाना पड़ेगा। 2304 मतलब फर्स्ट सर्विस मेरी गाड़ी की ऑलरेडी हो चुकी है, फर्स्ट सर्विस वाली वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। पहली सर्विस मेरी सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए की हुई थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा महंगी नहीं लगी। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज मुझे फील हुआ और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे मेरे भाइयों को फील होगा, वो भाई इस गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन, वो इतना अनॉय करेगा आपको भाई। मैंने नहीं सोचा था, मैंने पुरानी वाली डिप 390 चलाई थी जब वो नई नई लेके आया था, मतलब प्रीत था वो नई नई लेके आया था, मैंने उसकी गाड़ी चलाई थी। नई गाड़ी में वाइब्रेशन आती है, समझ आता है, क्योंकि इंजन ऑयल इतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं रहता या वो सारी चीज़ें नहीं रहती, पर फर्स्ट सर्विस के बाद सेकंड सर्विस के बाद धीरे धीरे वो चीज़ें कम होती रहती हैं। मेरी भाई फर्स्ट सर्विस के बाद अभी भी कोई वाइब्रेशन कम नहीं हुए। एक लाइव डेमो दिखाता हूँ, वैसे दिखेगी तो नहीं वाइब्रेशन, पर हल्का सा शायद अंदाज़ा लग जाए। जब आप थोड़ा सा 5000 RPM क्रॉस करते हो ना, वैसे तो 4000 RPM पे भी थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन देती है, जैसे 5000 RPM क्रॉस करते हो तो बर्ड्स के पास मतलब पूरी सीट पे, थाइस के पास नीचे फुटरेस्ट पे, पीछे वाले फुटरेस्ट पे और इस पोर्शन पे राइट हैंडल पे इतनी गंदी वाइब्रेशन आती है ना, मेरा तो हाथ सो गया था यमुना एक्सप्रेस वे पे, क्योंकि मैं 100 पे क्रूज कर रहा था और क्रूज करने पे ना मैं कोई भगा रहा था, मैं छठा गियर मारा आराम से 90-100 चल रहे, उसके बावजूद भी मुझे वाइब्रेशन फील हुई। और एक चीज़ मेरे को थोड़ी सी फील हुई, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हट गया यहाँ पे ना, बार बार ये मेरे फर्स्ट सर्विस हो चुकी है उसके बाद भी ये इंडिकेशन जा नहीं रहा। ये देखो जैसे मैं इसके अंदर बाइक इन्फो में गया, अभी मेरी कंपनी के मुताबिक मेरी फर्स्ट सर्विस जो है ऑफिशियली हुई ही नहीं है, मेरे को एक पर्चा दे रखा है बस। अब वो मैंने उनको फ़ोन करा था, मैंने कहा ये बार बार सर्विस का इंडिकेशन आ रहा है, मेरे को इसका क्या करना है। तो उन्होंने बोला भाई अभी उस समय मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं थे, वैसे भी मैंने लखनऊ में कराई थी, मे बी उनके पास मेरी पहली ही गाड़ी थी जो सर्विस के लिए गई थी, तो उनको भी इतना आइडिया नहीं था कि इसमें कैसे क्या काम करना है क्या नहीं करना, तो उन्होंने बोला था 2-3 दिन बाद आ जाना, पर मैं दिल्ली आ गया। अब दिल्ली में जाके मैं चीज़ें करवाऊंगा, वो एक OTG लगता है जिससे आपकी गाड़ी रीसेट हो जाती है, मतलब आपकी जो किलोमीटर सर्विस है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको मायने नहीं करते। पहला रहा वाइब्रेशन, दूसरा है भाई इस गाड़ी के अंदर हीटिंग इशू, वो भी आप लोगों को अच्छा सा फील होगा। अगर आप पजामे में चलते हो, शॉर्ट्स में चलते हो ना, तो भाई डेफिनेटली आपके हाथ पैर जो है, हाथ पैर तो नहीं, ये इतना पोर्शन, ये जो चीज़ है ना, जैसे अगर आपकी पैंट उठी रह गई या आपने शॉर्ट्स पहन रखे हैं, तो ये इतना पोर्शन बहुत गंदा हीट करने वाला है। यहाँ से हीट आती है इधर की तरफ से और ये पूरा पैर पे बहुत अच्छे तरीके से लगता है। तो मेरे को लगा था कि नया इंजन है, इंजन को कॉम्पैक्ट करा है तो वाइब्रेशन और हीटिंग इशू पर काम किया होगा, और भाई ये सारी चीज़ें देख के मुझे नहीं लगता कि हीटिंग इशू या वाइब्रेशन पर कोई काम किया है, बस इन्होंने इंजन बड़ा कर दिया, टॉर्क बढ़ा दिया और NM बढ़ा दी, टॉर्क बढ़ा दी और BHP बढ़ा दी, बस वाइब्रेशन सेम एज दैट पहले वाली की तरह ही है, पर पहले वाली से ज़्यादा है और हीटिंग इशू भी मुझे लगता है पहले वाली से ज़्यादा है। हालांकि इसमें डुअल फैन सेटअप है, एयर इनटेक के लिए जगह भी दे रखी है, पर फिर भी हीटिंग इशू तो है ही है इसके अंदर। तीसरा एक चीज़ है जो मतलब आपने MS के भाई को जानते हो गए, जो मतलब मुंबई के आई डोंट नो कहाँ के हैं, उन्होंने ये वाली गाड़ी ली थी, उसके अंदर एक चीज़ बहुत आई थी, आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अरे कट भूल गया, ओ देखो बंद हो गई, बंद हो गई नित्तू, ये देख अपने आप बंद हो गई, ये इसके अंदर है, ये MSK की गाड़ी है ना, 100 में जब तू राइड करेगा 100 में से एक ना एक बार ये गाड़ी बंद होगी ही होगी, ये नहीं कि झटका सा छोड़ने पे, वो तो होता है तो समझ आता है, ये चलते चलते साड़ी बंद हो जाती है रेस देते देते भी। मतलब अगर दिन में आप 100 बार चला रहे हैं ना, तो कम से कम ये 10-8 बार ये गाड़ी बंद होगी। अभी ये फर्स्ट सर्विस के बाद थोड़ी सी कम हो गई है, पर ये अभी भी होती है, डोंट नो भाई, मैंने कंपनी को बोला फ़ोन करके कि मेरी गाड़ी में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, कह रहे सर ये थोड़ी बहुत आ जाती है, आप गाड़ी को ना ओवर ठंडे में ही चला लेते होगे, ठंडे इट मीन्स की गाड़ी को वो नहीं करते होगे, क्या बोलते कोल्ड स्टार्ट, कोल्ड स्टार्ट नहीं करते होगे, और जबकि कोल्ड स्टार्ट के अंदर मतलब कोल्ड स्टार्ट के लिए इसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर दिया होगा, जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हो ना, देखो मेरी गाड़ी अभी भी ओके लिखी हुई है, अभी भी यहाँ पे मेरी गाड़ी में ओके नॉर्मल रहती है तो लो लिखा आ जाता है, तो वो मैं देख के ही करता हूँ, और मैं नॉर्मल तो हूँ नहीं,
मेरे को पहले भी अपनी मैंने काफ़ी गाड़ियाँ चलाई हैं तो मुझे आइडिया है, उसके बावजूद भी ये झटके से बंद हो जाती है, टूर पे बंद हो जाती है। यार यमुना एक्सप्रेस वे पे बंद नहीं हुई, पर यमुना एक्सप्रेस वे जैसे मैंने छोड़ा, जैसे मैं सिटी में आया तो ये बंद हो गई एक दो बार। तो ये मेरे को बहुत अजीब सा लगा कि मैं अगर झटके से खींचने के बारे में सोच रहा हूँ किसी को ओवरटेक करके निकलूँ, तो उस कंडीशन में अगर ये बंद हो गई तो मेरा तो टाइट टाइट फेस हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मिसिंग प्रॉब्लम कह लो, या इसके अंदर ये क्या बोलते हैं इसे, झटके मारने वाली प्रॉब्लम कह लो। अगर आप में से किसी के पास ये गाड़ी है तो आप लोग भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि ये प्रॉब्लम आप लोग भी फेस करते हो या नहीं करते। एक और है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, मैं बताता हूँ। जैसे कंपनी ने इसके आगे से लुक्स बहुत अच्छे कर दिए, DRL बहुत अच्छे दे दिए, पूरी की पूरी फेयरिंग चेंज कर दी, सुपर ड्यूक से इंस्पायर कर दी, पर जो इसकी हेडलाइट है ना भाई, आप लोगों को दिखने में बहुत अच्छी लगती होगी, पर जो इसका थ्रो है भाई, रियली मैं सच बता रहा हूँ, बहुत टट्टी है यार। ना तो इसकी ब्राइटनेस अच्छी, ना तो इसकी बीम अच्छी। एक तो अगर मैं हाई बीम करता हूँ ना तो ये अपर हाई दिखाता है, वहाँ पे दिखाता है हाई बीम, उधर की तरफ करके दिखा दे तू, दिखा दिया। हाँ ऊपर की तरफ दिखाता हाई बीम, मतलब दिखाना पेड़ दिखाता, पेड़, हाँ पेड़ दिखाता। इसकी लो बीम जो है ना वो हाई बीम का काम करती है, और हाई बीम तो ऊपर दिखाती है। ना तो ब्राइटनेस अच्छी, ना थ्रो अच्छा। आप सोचोगे कि एक बार वाइड हो जाए, वाइड तो है पर ब्राइटनेस ही नहीं है, तो दिखती नहीं, छोटी छोटी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं दिखती। गड्ढा जब एकदम पास आ जाएगा ना तब आप लोगों को दिखेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा अपनी ये नाइट रिव्यू का, उसमें देखना भाई। अगर आप सोचो मैं इसको लेके पहाड़ों पर चले जाऊँ, किसी हाईवे पर चले जाऊँ, किसी टूर पर चले जाऊँ, वहाँ पर मैं आराम से 100 पे क्रूज करूँ, डिफिकल्टीज बहुत बढ़ जाएंगी आप लोगों को लेके। तो आपको छोटी जो HJG की लाइट है या बड़ी लाइट है, जो भी प्रोजेक्टर लाइट है, वो आपको डेफिनेटली भाई लगानी पड़ेगी अगर आप टूरिंग के शौकीन हो। तो स्ट्रीट लाइट रहती है ना उसके बीच में, तो भाई इसकी लाइट पूरी खो जाती है, कुछ भी नहीं दिखता। अगर आप बहुत अंधेरे में जाते हो तो आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, वरना तो ऐ वही है भाई इसकी लाइट। मेरे को इतनी कुछ खास अच्छी लगी नहीं। तो यही सारी कमियाँ हैं जो मुझे इंपैक्ट कर रही हैं। अब सेकंड सर्विस में वाइब्रेशन और हीटिंग इशू का प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, वरना अदरवाइज अभी सारी चीज़ें तो एज इट इज़ सेम चलेंगी। अब एक चीज़ है जो मतलब इन सारी चीज़ों के अलावा पर्टिकुलर KTM की गाड़ियों में, KTM की ड्यूक 390 में या RC 390 में, ये चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। अभी मेरी गाड़ी नई है, ब्रांड न्यू है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पास आने को थोड़ा सा। अब जैसे मेरी गाड़ी 10,000 किलोमीटर बाद चल जाएगी, 10,000 किलोमीटर के बाद जो असलियत है ना वो गाड़ी के सामने आएगी। सबसे पहला 10,000 किलोमीटर के बाद गाड़ी के टायर चले जाएंगे, और आप सब लोगों को पता है कि गाड़ी के जो टायर का पेयर है ना वो अच्छा खासा महंगा है, मतलब 16,000 से 18,000 रुपये के बीच में आपके ये मैटरियल के, या 14,000 रुपये के तकरीबन ये मैटरियल के टायर आएंगे। तो ये चीज़ है, तो कुल मिला के बात ये है कि मेंटेनेंस जो कॉस्ट है ना वो गाड़ी की थोड़ी सी हाई रहने वाली है। अभी मेरी फ्री सर्विस थी तो मेरी 1600-1700 रुपये में हो गई, अब जब पेड सर्विस होगी ना, जब इसके अंदर अब डिस्पैड में बता देता हूँ, इसके डिस्पैड भाई 2500-3000 रुपये के डिस्पैड है। तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो एक नॉर्मल बंदा सोच रहा है कि मैं इस गाड़ी को ले लूँ, पर गाड़ी लेने के बावजूद भी, गाड़ी थोड़ी सी महंगी है मैं एग्री करता हूँ, पर गाड़ी लेने के बावजूद भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी, सर्विस कॉस्ट महंगी है, सर्विस कॉस्ट भी महंगी है। आप इसकी पेड सर्विस कराने जाओगे ना, जिसके अंदर आप सारी चीज़ें, या मतलब कौन सेट नहीं, आप कह सकते हो कि डिस्पैच चेंज करवाओगे आगे पीछे के, चेंज सेट हो गया, ऑयल फिल्टर चेंज सेट, वो सारी चीज़ें चेंज करवाओगे ना, तो आपको तकरीबन 8,000-9,000 रुपये का लफड़ा लगने वाला है, मतलब तगड़ा सा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो या तो मेंटली प्रिपेयर रहना आप लोग, या थोड़ा सा ये देख के रहना कि 390 है, मेंटेनेंस कॉस्ट तो इसकी हाई रहेगी ही रहेगी। तो पार्ट्स जो है, बॉडी पार्ट्स, वो भी सारे के सारे महंगे हैं, कोई भी पार्ट सस्ता नहीं है, गलती से स्क्रैच आ जाता है, टूट जाता है, तो आप खरीदने जाओगे तो अच्छे अच्छे महंगे मिलेंगे। दूसरी चीज़, कोई भी नॉर्मल बंदा इसको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी गाड़ी इलेक्ट्रिक है, थोड़े फीचर्स ज़्यादा हैं, तो नॉर्मल बंदे को दिखाओगे ना तो वो इतनी सारी चीज़ें ठीक कर नहीं पाएगा, तो आपको कंपनी में ही जाना पड़ेगा, कंपनी बनाएगी आपका बड़ा बिल। तो पहले से थोड़ा माइंड को अपना प्रिपेयर करके रहना कि जो गाड़ी के जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट, वो थोड़ी सी हाई रहने वाली है। मान के चलो हर 10,000 किलोमीटर बाद इसमें आपको 8-10,000 रुपये की सर्विस करानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें देख लेना भाई, बस। और तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई ऐसी कमी है, बाकी तो सारी चीज़ें ठीक ही लगी मुझे। एक चीज़ और है, पहले भाई 10-11 या 9 लीटर का टैंक आया करता था जब पहले वाली गाड़ियों में, उसको बढ़ा के कंपनी ने 15 लीटर का कर दिया। तो साथ ही साथ एक चीज़ है, टैंक लीटर जो बढ़ाया ना, वो चीज़ें तो ठीक है, पर माइलेज एज इट इज़ सेम है। माइलेज से एक्सपेक्ट मत करना कि आपको 20 से या 25 से ज़्यादा की माइलेज मिलेगी। नॉर्मल क्रूज करोगे तो 25 की मिलेगी, और अगर म्यूचुअल राइड करोगे तो आपको 20 की माइलेज मिलेगी। तो माइलेज भी एक्सपेक्ट मत करना कि आपको इस गाड़ी से अच्छी मिलने वाली है। 400cc का इंजन है, ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ ही इतनी माइलेज देती हैं। और बाकी करते हैं वीडियो को एंड, बस यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।